नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबीन खान और आप देख रहे हैं मून स्टार न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं अगली खबर पर। ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमान संभाल रही सभी आशा कार्यकर्ताओं एवं आशा सहयोगियों ने मंगलवार को अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर सड़कों पर उतरी और जमकर शिवराज सरकार होश में आओ के नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। मंगलवार को देवरी विकासखंड की 207 आशा कार्यकर्ताओं एवं 18 आशा सहयोगी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में एकत्रित हुई और आशा कार्यकर्ताओं को कम से कम 10,000 रुपये वेतन देने और आशा सुपरवाइजर को 20,000 रुपये मासिक वेतन देकर स्थायी नियुक्ति की मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह से मांग की। उन्होंने नारेबाजी करते हुए कहा कि शिवराज सरकार होश में आओ, उन्हें परमानेंट करो। आशा कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए कि 2000 में दम नहीं, 10,000 से कम नहीं। यह नारेबाजी करते हुए नगर की मुख्य सड़कों से होते हुए जनपद पंचायत कार्यालय पहुंची, जहां सभी कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। इसके बाद पंचमुखी हनुमान जी मंदिर पर पहुंचकर करीब 1 घंटे तक सांकेतिक धरना दिया और भगवान हनुमान जी से प्रदेश सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। हमारा नाम अनीता, आशा सुपरवाइजर हैं। हम लोग 10 से 15 गांव भ्रमण करने जाते हैं, 30 दिन का भ्रमण देना पड़ता है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को 30 से 40,000 का मान पेमेंट दिया जाए, वेतन मान शासकीय किया जाए और पेट्रोल भत्ता हम लोगों को कम से कम 4 से 5 हज़ार के बीच में दिया जाए, क्योंकि हम लोगों को कम वेतन मिलता है। राम रजौला बेगम भी हूँ। हम लोगों को 2000 रुपया तनख्वाह मिलता है, हम लोगों को उसमें कैसे गुजार, कम से कम 10,000 पेमेंट दी जाए। और रात में अभी काम आ जाता है तो हम लोग रात में भगते हैं, बच्चों को उल्टी दस्त होते तो उतनी रात को हम लोगों को इतनी गोली नहीं मिल पाती तो हम लोग उनको अस्पताल लेके भगते हैं। और क्या क्या होता है, जिस प्रकार अस्पताल की ओपीडी खुली रहती है उसी प्रकार आशा का घर भी ओपीडी जैसा खुलता है, तो हम लोग परेशान हैं। हमारी मांग है, शिवराज सिंह से निवेदन है कि कम से कम 10,000 से 15,000 के भीतर किया जाए, क्योंकि हम लोग कितनी सर्वे करते, महीने में 4-4 सर्वे देते और साल में 2 सर्वे तो अपडेट करते हैं हम लोग, कितने पर। और फिर आने जाने में बहुत समस्या बनती है, हम लोग क्या करें। जितनी मेरा भी डिलीवरी आ गई वो लेके भागे, हम लोग कोई की जांच कराने बोला 2.5 महीने में उनकी पंजीयन करवाओ तो नहीं, महिलाएं नहीं बताती तो उनसे पूछते हैं कि बताओ बताओ हम पंजीयन करवा दें। हम लोग इतने परेशान होते हुए भी हम लोग शिवराज सिंह चौहान सुन भी नहीं रहे, ऐसी कैसी सरकार है कि हम लोगों को वेतन भी नहीं दे पा रही। कम से कम 15,000 रुपया दिया, आंगनबाड़ी से ज़्यादा काम करती हैं आशाएं। मैं आशा कार्यकर्ता शीला विश्वकर्मा ग्राम धुलतरा से हूँ। हम लोगों की मांगे हैं कि हम लोगों को 2000 रुपये में कुछ नहीं होता, हम लोगों का गुजारा नहीं चलता, हमारे बच्चों का उसमें हम लोग पालन पोषण नहीं कर पाते। हम लोग की 24 घंटे की हम लोग 24 घंटा कार्य करते हैं। यदि रात में कोई कार्य आ जाए, यदि कोई डिलीवरी आ जाए या कोई गाँव में कोई यदि बच्चा किसी को बुखार है तो हम लोग को रात में उठ के उसको जाना पड़ता है, देखना पड़ता है। और डिलीवरी में यदि कितनी भी रात हो तो आना, बरसात हो कुछ भी हो, अपने बच्चों को छोड़ के, छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर हम लोग स्वस्थ सेवाएं देते हैं। और हम लोग 2006 से 14-15 साल हो गए हम लोग को कार्य करते, लेकिन हमारी सरकार कुछ भी नहीं सुन रही। ग्राम बिजवारा से हम लोगों को 2000 का भत्ता दिया जाता है, उसमें हमारा गुजारा नहीं होता, हम बच्चों को पढ़ाएं कि घर का खर्च चलाएं, 2000 में हम क्या करें। हम लोगों को 15 से 20 हज़ार रुपया दिया जाना चाहिए, इतने में हमारा गुजारा नहीं चलता। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार।